क्या हुआ जब नासा के सॉफ्टवेयर में डाली गई श्री राम की कुंडली, जानकर हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आजकल लोगों को विज्ञान पर इतना भरोसा हो गया है कि वो शास्त्रों में लिखी गई बातों को गलत मानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भगवानों के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे शास्त्रों ने हर बार ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब तो विज्ञान ने भी हमारे भगवान के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रभु श्री राम की कुंडली को अपने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला था। उसके बाद जो रिजल्ट उन्हें देखने को मिला, उसे देखकर नासा के साइंटिस्ट का भी दिमाग हिल गया। कहा जाता है कि उन्हें भगवान श्री राम की कुंडली में ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग देखने को मिला जिसे न चाहते हुए उन्हें प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा और मानना पड़ा कि श्री राम का जन्म हुआ था। सॉफ्टवेयर से इस बात का खुलासा हो गया कि भगवान श्री राम का जन्म ईसा से भी 7000 साल पहले हुआ था, यानी जब पश्चिमी सभ्यता पैदा भी नहीं हुई थी। उससे कई साल पहले ही हमारे देश में तकनीकी और अन्य कलाओं का विकास हो चुका था। दरअसल खुद को सबसे बेहतरीन साबित करने की होड़ में पश्चिमी देश श्री राम को झुठलाया करते थे और इस षड्यंत्र में लगे रहते थे कि कैसे भारत के शास्त्र ग्रंथों और इतिहास को झूठा साबित किया जाए, जिससे दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाए कि सारी तकनीकों, कलाओं और सभ्यता के जन्मदाता पश्चिमी देश ही है। हालांकि वो अपनी इस साजिश में फेल हो गए, क्योंकि अब तो उनकी बनाई मशीनों ने सारी असलियत उनके सामने लाकर खड़ी कर दी है। आपको बता दें, पश्चिमी देशों ने हमारे ज्ञान को हमसे चुराकर उन्हें सिर्फ अपना नाम दिया है, क्योंकि जब पश्चिम में लोगों के दिमाग का विकास भी नहीं हो पाया था, तब हमारे देश के ऋषि मुनि मैथ्स और साइंस के बड़े बड़े सिद्धांत लिख चुके थे। भारत में सभ्यता हजारों साल पहले ही पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, और अब तो ये बात दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी ने भी मान ली है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले नासा ने इंसानों के हाथ से बने पुल की तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की थी, और उनका मानना है कि रामेश्वर से श्रीलंका के बीच बने पुल के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उसे लंका से वापस आने के बाद तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल के बारे में राम सेतु के रूप में बताया गया है। आज के समय की बात की जाए तो ये पुल भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के बीच चुना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन लगातार ढूंढने के बाद नल और नील ने समुद्र में वो जगह ढूंढी जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था, और तब उस स्थान से लंका तक जाने के लिए पुल बनाने का फैसला लिया गया। बता दे, उस स्थान का नाम धनुषकोडी है। कहते हैं इसका नाम धनुषकोडी इसलिए पड़ा क्योंकि नल नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष की तरह था। शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल को बनाने में एक खास तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे साइंस की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर डूबता नहीं है। कहते हैं रामेश्वरम में आई सुनामी के समय समुद्र किनारे इस पत्थर को देखा गया था। वैसे इस तरह के पत्थर आज भी भारत के कई साधु संतों के पास मौजूद है। इसके अलावा श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन मंत्रालय ने एक साथ मिलकर रामायण से जुड़ी ऐसी 50 जगह ढूंढी है जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ रामायण में भी जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण में समुद्र के पार जिस जगह लंका का उल्लेख किया गया है, ठीक उसी जगह श्रीलंका देश बसा हुआ है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका की संस्कृत एवं पाली साहित्य का भारत से गहरा संबंध रहा है। कुमार दास के बारे में कहा जाता है कि वे महान संत कालिदास के परम मित्र थे। बता दें, उनकी ये रचना भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर भी आधारित है। श्रीलंका में एक स्थान है जिसका नाम महियांगना मध्य है। मान्यताओं के अनुसार ये लंकापति रावण का हवाई अड्डा था। कहते हैं जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका लाया था तो उसने अपने पुष्पक विमान को यहीं पर उतारा था। श्रीलंका इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर की माने तो रावण के 4 हवाई अड्डे थे, जिसमें से पहला है उसानगोडा, दूसरा गुरुलोपोथा, तीसरा तोतुपोलांकदा और चौथा वारियापोला। इस सेंटर के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो उसमें रावण का उसानगोडा हवाई अड्डा जल के खाक हो गया था। इतना ही नहीं, श्रीलंका में साती एलिया नाम की भी एक जगह है। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था, जिसे रामायण में अशोक वाटिका बताया गया है। आज भी इस जगह की शिलाओं पर हनुमान जी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब कार्बन डेटिंग की मदद से इसकी उम्र का अंदाजा लगाया गया तो ये सच सामने आया कि इनकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पहले की है।
यहाँ देवी सीता का मंदिर भी है और उस मंदिर में प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो मूर्तियाँ 5000 साल पुरानी हैं। जिस जगह पर यह मंदिर है वहाँ कभी विशाल वृक्ष हुआ करता था जिसके नीचे माता सीता बैठी रहा करती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कोई भी हमारे प्रभु श्री राम, हमारी सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व पर सवाल न उठा सके।